द जोन टीम। आईएनडी बहुत अच्छे तरीके से जोन को यूटिलाइज कर सकती है ना। आईएनडी दोनों बारी लकी साबित हुई है, बिकॉज पिछले मैच में भी आईएनडी का जो ड्रॉप था वो मिलिट्री बेस था, वहीं पर जो था जोन भी बन गया। एक बार फिर कुछ ऐसा ही होता था, जोन की प्रायोरिटी बार बार मिल रही है, बट ओआर की टीम के पास यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस कम है। एक बार फिर टीम मवी के साथ ही यहाँ पर फाइट है। मवी यहाँ पर अपनी M4 के साथ आगे बढ़ रही है। हेलमेट वेस्ट नहीं है अभी के लिए, बट इनको यहाँ पर इस चीज की इन्फॉर्मेशन तो मिली चुकी है कि यहाँ पर ओआर की टीम के प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बेक्सी और गिल सभी के पास यहाँ पर अच्छी टेम्पो यहाँ पर आ चुकी है। बेक्सी ने एक नॉक कर दिया था बट मवी वहां पर रिटेलिएट कर देंगे। गिल निकाल देंगे यहां पर दो बढ़िया नॉकआउट्स, दोनों के जो खेल थे यहां पर सिक्योर कर देंगे। एंड ओआर गिल अपने ओआर के ड्रॉप पर, मवी वापस अपने ड्रॉप पर, बट यहां पर टप्पू सेना और श्राउड का लड़का अब यहां पर बच जाएंगे अकेले दो प्लेयर्स। एंड इसके साथ धीरे धीरे करेंगे क्लोजिंग एंड मोस्ट प्रॉबली टीम मावी के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज फिलहाल के लिए रह सकता है। मे भी फिलहाल के लिए अगर बात किया जाए गले का गिल के सामने, क्योंकि 2v1 का सिचुएशन बनेगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए तो डेफिनेटली ऑरेंज रॉक के पास एक प्लेयर एडवांटेज ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। चलेंगे हम लोग गिल के पास एंड गिल एज ऑफ नाउ होल्ड ऑन करेंगे। एंड इनकी तरफ से हम लोग यूटिलिटीज का इस्तेमाल बैक टू बैक देखने के लिए मिलता हुआ अपने आपको होल्ड करके रखे हुए। M416 इनके हाथों में देखने के लिए मिलता है। टप्पू सेना का क्लोजिंग लिया जाएगा शॉट, लेकिन इधर लाइक गिल की अगर बात किया जाए, गिल इधर बहुत ही ज्यादा लो तो कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जो लास्ट शॉट जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि एकदम लास्ट शॉट जो था वो इधर कनेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिला फ्रॉम टीम मावी। एंड इसी के साथ गिल का भी किल कर चुके हैं सिक्योर। सो 420 एंड इसी के साथ आदित्य लास्ट टू प्लेयर्स अलाइव देखने के लिए मिल जाएंगे। सो टीम मावी एंड टीम ऑरेंज रॉक दोनों के बीच में करारा टक्कर अभी भी चलता हुआ, एंड कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन बाहर आएगा को थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा। इन दोनों यहां पर अभी के लिए जो अपना होल्डिंग सिनेरियोस है वो इनिशिएट करते हुए वहां पर वो बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, ये अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं। कर देंगे टप्पू सेना का नॉक, किल हो जाएगा सिक्योर, शॉट कर लगा दिया ओनली प्लेयर एंड यहां पर डाउन कर दिया जाएगा। किल्स जाएंगे टीम ओआर के खाते में एंड टीम मवी यहां पर अभी के लिए 10 मार्क्स एंड फॉर टीम मवी, टीम ओआर कवरिंग अप ऑल दोस 4 किल्स फ्रॉम टीम मवी एंड ट्रेड में मिले यहां पर 2 किल्स। सो ये कितना ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्या लग रहा है आपको रॉय की 2 किल्स अपने देना, कैजुअलिटीज अफोर्ड करना और उसके बाद 4 किल्स लेकर जाना टीम मवी के, कितना डिसेंट ये ट्रेड था आपके अकॉर्डिंग? लाइक आई थिंक एज अ मिरामार मैप अगर मैं सोचूं तो डेफिनेटली ये जो 2 कैजुअलिटीज है ये बाद में जाके इनको थोड़ा बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा